तो हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम दिखाएंगे रेल म्यूजियम जो हावड़ा में मौजूद है स्टेशन के सामने में। और ये वीडियो मैंने पहले ही शूट किया था, मगर इसका एक वीडियो और था जो मेरा डिलीट हो चुका है। तो ये जो रेल म्यूजियम है ये 2006 में बना था और यहाँ पर बहुत सारा ट्रेन पुराने ज़माने का रखा गया, यानी कि सेविंग करके रखा गया है ताकि लोगों को दिखा सके। जैसे आर्ट गैलरी में बहुत सारा चीज़ रखा जाता है, ठीक उसी टाइप का यहाँ भी है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत पुराने ज़माने का ट्रेन है जब कोयला इंजन और डीजल इंजन हुआ करता था, तब इस सब चीज़ को यहाँ पर सेविंग करके रखा गया है। और ये हावड़ा स्टेशन के सामने में ही है जहाँ से न्यू कॉम्प्लेक्स शुरू होता, उसी के सामने एक पानी का टंकी है और पानी की टंकी से थोड़ा सा आगे में ये आपका रेल म्यूजियम बना हुआ है। और इसके अंदर एक पार्क भी है जिसका वीडियो मेरा डिलीट हो चुका है, नेक्स्ट टाइम कभी भी जाएंगे तो उसका वीडियो आप सबके बीच में शेयर करेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ सामने आपको एक ट्रेन दिखने को मिलेगा जो उस टाइम का, जैसे आज के डेट में वंदे भारत है तो उस टाइम का ये स्पेशल ट्रेन रहा, कुछ इस टाइप का हुआ करता था। और ये जो बोगी आप है देख रहे हैं, और इसके ठीक पीछे में ही आपका पार्क बना हुआ है जिस पार्क में आपको घूमने के लिए जगह है, बैठने के लिए जगह है। और अगर आपके पास टाइम हो तो इस जगह को आप घूम सकते हैं। जैसे आपका ट्रेन लेट में है, 2-3 घंटा लेट में, तो यहाँ पर आके आप टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं। और पार्क के अंदर एक टॉय ट्रेन है जिसमें बच्चा लोग चढ़ता है और वहाँ का टिकट प्राइस है आपका 30 रुपया। और उसके ठीक पीछे में एक मतलब तालाब सा बना हुआ है और बच्चे को मतलब खेलने। और इसका थोड़ा टाइम के बारे में बता दें, 11 बजे मॉर्निंग से 11 बजे चालू होता है, यानी कि खुलता है, और शाम को 7 बजे बंद होता है। ये जो आप इंजन देख रहे हैं, इंजन आज के डेट में आपको दिखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए को पायलट भी बना हुआ है जो एक्चुअली में रियल नहीं है। और देखिए पहले का जो चक्का होता था कुछ इस टाइप का होता था, जो आज के डेट में हम लोग को मूवीज़ में देखने को मिलता है। पुराने ज़माने का अगर मूवीज़ देखिएगा तो वो सब चीज़ देखने को मिलेगा। और यहाँ बहुत ही साफ सुथरा और बहुत ही क्लीन है। और इसके अंदर एक स्टॉल भी है खाने पीने के लिए, मगर बहुत महंगा है, तो या तो फिर नाश्ता करके आइएगा, और अगर महंगाई में खाना है तो आपको खाने को मिल जाएगा। और इसके आगे में और भी बहुत सारा ट्रेन है जो जिसका वीडियो मेरा डिलीट हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम हम कभी भी जाएंगे वो वीडियो आप सबके बीच में शेयर भी करेंगे। तो मेरा वीडियो जिसको अच्छा लगता है बस लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और एक बात, मेरा एक वीडियो और आने वाला है जिसका टाइटल रहेगा रेल कोच रेस्टोरेंट, वो भी हावड़ा स्टेशन के ही सामने में ही है, मगर उसका भी वीडियो का कम्प्लीट नहीं है, मगर जितना है उसी को एडिट करके डालेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप सबको अच्छा ही लगेगा। और मेरा जितना सारा वीडियो आता है हावड़ा कलकत्ता का रिलेटेड वीडियो आता है, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं मुझे जो चीज़ दिखने को मिलता है, जो मेरे आँख के सामने दिखता है, हम उस चीज़ का वीडियो बनाते हैं और आप सबके बीच में शेयर करते हैं। और ऐसे नहीं कि हम वीडियो बनाने के लिए हम अलग से कोई टाइम निकालते, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास होता भी नहीं है। इसलिए जब भी कहीं भी जाते हैं घूमने फिरने या तो कोई काम से जाते हैं, तब वहाँ का वीडियो हम शूट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये लोग का बिल्कुल दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि आज के डेट में ये सब ट्रेन देखने को मिलने नहीं करेगा, क्योंकि ये सब ट्रेन अभी है ही नहीं। और इसीलिए शायद रेल म्यूजियम ही सब चीज़ को सेविंग करके रखा है ताकि लोगों को दिखा सके। और टिकट जो था पहले यहाँ 10 रुपया टिकट था पर पर्सन, अभी टिकट बढ़ा दिया है। और पहले का बाथरूम देखिए, पहले का जो सीट रहता था बहुत कंफर्टेबल था बैठने के लिए। यहाँ पर जो आप शीशा के अंदर जो ट्रेन देख रहे हैं, कोई छोटा छोटा ट्रेन है, इसको शीशा के अंदर इसलिए रखा गया है ताकि इसमें कोई स्क्रैच ना हो और कोई भी गंदगी ना लगे, इसीलिए इसको शीशा के अंदर रखा गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। और जो लोग कंप्लीट वॉच किए हैं उन सभी, और सामने जो एक छोटा सा घर देख रहे हैं वो है आपका टिकट काउंटर, वहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। तो वहाँ से पहले टिकट लीजिएगा, उसके बाद अंदर आइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।